व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं फ़तेहपुर में दरबार पीर इनायत अली शाह बुखारी मरहूम के दरबार पर। ये बहुत कदीम दरबार है और इस दरबार की तारीख ये बताती है कि ये 400 साल पुराना दरबार है। तो इस दरबार की तारीख़ जब हमने मालूम की तो मालूम हुआ कि ये बुज़ुर्ग इनायत अली शाह बुखारी जो है 400 साल पहले इस इलाके में आए और आकर यहाँ पर उन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। बहुत नेक शख्सियत थी। तो ये दरबार जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और हर साल 17 मार्च को यहाँ पर उनकी याद में ये जो मेला है वो इसका इनेकाद किया जाता है। तो दरबार की थोड़ी सी मैं आपको इसका तारुफ करा दूं तो इसके दो दरवाज़े हैं व्यूवर्स। एक मशरकी साइड पर दरवाज़ा है जो मर्दों की इंट्रेंस है और दूसरा जो है वो जनूबी साइड पर इसका दरवाज़ा है जो इसके जो औरतों की इंट्रेंस के लिए मखसूस है। तो हम इस वक्त दरबार पर मौजूद हैं और दरबार के अंदरूनी मनाज़र जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, चूँकि मेला शुरू हो चुका है तो बहुत ज़्यादा रश है। अकीदतमंद जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मेले पर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जनूबी दरवाज़ा है जहां से औरतें जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और जो है वो जनूबी साइड से दाखिल हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं जनूबी साइड पर ही ये जो है दिया जलाने की जगह है और अकीदतमंद जो हैं इस जगह पर अपने जो है अकीदत का इशहार करते हैं और दिए जलाते हैं। दिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जलाए हुए मौजूद भी हैं। ये जनूबी साइड पर जो है ये कबूतर हैं। अक्सर दरबारों पर कबूतर जो हैं वो मैंने खुले जो हैं वो देखे हैं और वो कबूतर जो हैं दरबारों में अपना मस्कन बना लेते हैं। कबूतर तो यहाँ भी मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर एक दरबार टाइप उनका बनाया गया है और उसे ताला लगाया हुआ है। ये मशरकी साइड है और यहाँ पर भी एक छोटा सा जो है दिया जलाने की जगह जो है वो बनाई गई है। छोटे छोटे दिए जो हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। वो जगह जो थी पिछली जो आपने देखी थी वहाँ पर शायद औरतें जो हैं दिए जलाती हैं, यहाँ पर जो है मर्द जो है वो दिए जलाते हैं। तो ये आप दोनों चीज़ें वो आप देख सकते हैं। और ये इसका मशरक़ की साइड पर जो सहन है वो आपको हम दिखा रहे हैं और पीछे जो है वो दरबार की इमारत है। इसके सहन में दो दरख्त मौजूद हैं दोस्तों। ये दोनों दरख्त जो हैं वो भी आप आपको करीब से दिखाते हैं। दोनों दरख्तों पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो स्लेटें जो हैं वो लटकाई गई हैं और दोनों दरख्त जो है वो इन स्लेटों से भर गए हैं। इन स्लेटों की तहरीर जो है वो यही है कि अगर किसी शख्स ने कोई मन्नत मानी और उसकी कोई मन्नत पूरी हो गई तो फिर उसने उसे लिख कर जो है वो यहाँ पर लटका दिया। साथ में मस्जिद है। इसके सहन में जो है वो मार्बल लगी हुई है और मशरक़ वाली साइड पर एक कब्र है जिसके चारों तरफ जो है वो शीशे का काम किया हुआ है। इसकी तारीख़ मुझे मालूम नहीं हो सकी कि ये किसकी कब्र है। पीछे जो है और भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेला चूँकि स्टार्ट हो चुका है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों का रश है। अकीदतमंद जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं मेले पर और एशिया का ऊँटों का इसे सबसे बड़ा मेला जो है वो भी कहा जाता है। तो एशिया में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला जो है वो दरबार इनायत अली शाह बुखारी मरहूम जो है फ़तेहपुर में वो लगता है। और ये जो दरबार यहाँ पर मौजूद है हम आपको इसकी हिस्ट्री जो है वो भी आपको बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस मेले इनायत अली शाह बुखारी पर। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो दरबार पीर इनायत अली शाह बुखारी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल नेचर डिस्कवरी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका होस्ट इमरान चौधरी अपने चैनल नेचर डिस्कवरी से आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।